बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिज के सभी सितारे हैं। David Ghazal, David Ghazal, David Ghazal। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आज मैंने कहा इतने लोग हम अपने चैनल पे बुलाते हैं, शोबिज पर्सनैलिटीज़ भी आती हैं और मीडिया के भी लोग यहाँ पर आते हैं और सियासी लोग भी आते हैं, तो मैंने कहा फिर ब्यूटिशियन क्यों पीछे रहे, तो आज आपको इनवाइट किया है मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपका थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला। वेलकम। अच्छा आपा जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लाहौर से हैं या आउट ऑफ सिटी से? मैं मुल्तान से हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो लाहौर में कैसे आना हुआ? वो हम हिजरत जैसे करके इंसान आता है ना लाहौर, जहाँ पे मेरा मामू था ना, तो हम हिजरत करके लाहौर शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, तो शादी कब हुई? शादी मेरे मामू के बेटे के साथ ही हुई है। अच्छा, लाहौर में ही या मुल्तान में? लाहौर में हुई है, तकरीबन मेरी शादी को 18 साल हो गए। अच्छा, बच्चे कितने हैं? मेरा एक ही बेटा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ते हैं? हाँ जी, फर्स्ट ईयर में वो। तो आप ये ब्यूटिशियन का शौक कैसे पैदा हुआ? ये मुझे शुरू से ही शौक था, मगर हमारी फैमिली में वो करने नहीं ना देते थे, ना सीखने देते थे, मगर मैंने अपने मियाँ को बहुत मुश्किल से मनाया, मना के फिर सीखा, फिर उसने मेरा साथ भी दिया, अभी भी वो मेरा बहुत साथ देता है। अच्छा। तो फिर ये जब आपने सीखा, सीखा कहाँ से आपने? मैंने गवर्नमेंट से भी सीखा है, प्राइवेट भी सीखा है, जहाँ जहाँ से मैं क्लासेस वगैरह ले सकी मैंने कोशिश की है, वहाँ से लिया मैंने। मैंने सुना आपने बड़ी मेहनत की है इस काम में। हाँ जी बिल्कुल, मैंने फिर यूट्यूब जब मैंने देखनी, वहाँ पे मैंने सर्च करके मेकअप देखना, कोई वीडियो कोई कुछ नहीं देखती थी, सिर्फ मेकअप देखती थी। अच्छा, तो आज क्या आपको लगता है रिस्पांस क्या है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, घर में बैठी मैं कमा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है? मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम है नूरीन ब्यूटी सलोन। अच्छा, आपने कितनी लड़कियों को सिखाया यहाँ पर अपने इदारे से? बता नहीं सकती मैं। अच्छा माशाल्लाह, इतने लोगों को सिखाया आपने? हाँ जी, मैंने माशाल्लाह बहुत लड़कियों को सिखाया और काफ़ी लड़कियाँ ट्रेन होके अपना सलून चला भी रही हैं। माशाल्लाह। अच्छा आप अभी तो मैं अपने फैंस को व्यूवर्स को ये बताऊंगी कि ये जो आज हेयर स्टाइलिंग आप मुझे देख रहे हैं, आप देखते रहते हैं मुझे अक्सर, लेकिन आज ये मेरी हेयर स्टाइलिंग जो है ये आपा ने की है। मेरा हेयर स्टाइल अभी आप देख लें, अभी कैमरा आपको दिखाता है कि मेरा हेयर स्टाइल भी ज़रा दिखा दें आप, ताकि उनको पता लगे कि आपा ने ये मेरा हेयर स्टाइल बनाया और मेकअप भी किया है। अच्छा डिफरेंट लुक है, मैंने कभी इस तरह का किया नहीं है, लेकिन आज मैंने कहा चले आपा से कहूँ कि पहले तो सबसे पहले मुझे डेमो दे ना, ताकि मैं दिखाऊँ व्यूवर्स को कि आपा ने किया है ये। अच्छा आपा, और इसके अलावा आपका कोई और भी कोई काम है? पहले मैं सिलाई करती थी। अच्छा। सिलाई मुझे शौक नहीं था उसका ना। अच्छा। वो मैंने छोड़ दी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं मुझे शौक नहीं था ना, तो ब्यूटिशियन का मुझे शौक था, तो फिर मैंने यही सीखना चाहा और मैंने सीख लिया। अच्छा, अब ब्यूटिशियन तो बहुत सारी हैं यहाँ पाकिस्तान में, बहुत सारे पार्लर्स भी बन चुके हैं, अब आपको क्या लगता है कि ब्यूटी पार्लर्स का जो मयार है पहले जैसा है या अब चेंज हो गया? नहीं माशाल्लाह है, देखो अगर जितने ज़्यादा ब्यूटिशियन हैं उतने ज़्यादा क्लाइंट भी तो पैदा होते हैं, काम करवाते हैं। हम यह नहीं कर, मेरे एरिया में तकरीबन मेरी जो मोहल्ले में 5-6 हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा पार्लर होने से। अच्छा, तो आप ये जो आजकल फेशियल और पॉलिशिंग वगैरह घर में, वैक्सिंग वगैरह, हेयर कलर वगैरह, वो सब कुछ घर में करना शुरू कर देती, उसके हवाले से आप क्या? मैं पॉलिशर वगैरह के बारे में बता देती हूँ कि वो कर सकती हैं, फेशियल भी कर सकती हैं जिन लोगों की लोगों को आता है, मगर हेयर का रिस्क ना लिया करें, जैसे कि वो मेटालिक डाई वगैरह लगा लेती हैं अपने बालों के ऊपर, फिर वो हमारे पास आती हैं मैम जी हमने ये स्टिक वगैरह करवानी है, मगर उसके ऊपर वो नहीं होती, जो वो फैशन शेड चाह रही होती हैं उनको वो नहीं मिलता, फिर मेहंदी वगैरह भी लगा लेती हैं, तो जिन लोगों को फिर आगे जाके उनको मसला होता कि वो फिर फैशन शेड नहीं लगा सकती। अच्छा, जो मेटालिक डाइयाँ यूज़ करती हैं, तो उसको अगर हम अपना जो जो अच्छे कलर होते हैं, जैसे मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं अच्छे कलर जो हैं, उसको कैसे अप्लाई किया जाता? उसको हमने पहले ये देखना होता है कि इस बंदी ने कौन सा कलर करवाना अपने बालों के ऊपर, वो पहले हमें बताती है कि मैम जी ये नेट से ऊपर, नेट
से पिक लेती हैं, हमने हमें ये वाली लुक चाहिए, तो हम पहले हम बालों को देखते हैं कि इसके मेटालिक तो नहीं है, तो हिना ट्रीट तो नहीं है। क्लाइंट तो हमेशा झूठ बोलता है। आपको फिर कैसे पता चल जाता है? हम सीजर पकड़ते हैं, बालों को ऐसे खरेच लेते हैं, वो अगर मेटालिक है, हाँ हाँ, वो ब्लैक उतरता है तो मेटालिक है, अगर रेड उतरता है हिना ट्रीट बाल होता है, तो मैं बता देती हूँ। या फिर मैं थोड़े से बाल काट लेती हूँ तो उसको कट ऑन लगा के छोड़ देती हूँ, वो जब उसका रेड ट्यून आती है या ऑरेंज ट्यून आती है, हमें पता चल जाता है कि ये हिना ट्रीट बाल है। देखा, आपा माहिर हैं, मैंने ज़रा इनसे वैसे ही पूछा, मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा मैं आपा से भी पूछूं कि आपा को भी पता है या आपा को ऐसे ही माहिर कहते हैं। नहीं, माशाल्लाह नाम तो आपका बहुत है। अच्छा, आज हमारे आप शो पे आई हैं टी वी गज़ल के, आज आप हमें क्या करके दिखाएंगी? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि बातों से नहीं, हमें तो काम करके दिखाएं। कौन सा मेकअप करेंगी आप आज? मैं आपको मेहंदी के ऊपर मेकअप जो होता है ना, मेहंदी ब्राइडल मेकअप, वो करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो आप आजकल जैसे मेहंदी का फंक्शन होता है, पहले तो हम करते थे ना कि वो जैसे मेहंदी कलर का सूट पहनते थे। हाँ जी, सिंपल सा सूट होता था जी, आपने लिपस्टिक नहीं लगानी, आपने मेकअप नहीं करना, आपको रूप नहीं आएगा। अब वो चीज़ नहीं है, अब तो वो कहती हैं कि हमने सलोन से रेडी होना है, तो हमने ऑलरेडी खूबसूरत तो लगना ही है। तो हो जाता था, अभी मेहंदी है तो मेहंदी का सूट पहनना है, तो चलो ठीक है। सम टाइम तो ऐसा होता था, कोई भी ऐसा मेहंदी कलर का घर से भी सूट उठा के पहना जाता तो चल जाता, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो गए हैं। आजकल आप ब्लू कलर पहन रही हैं, रेड कलर भी पहन रही है, कंट्रास्ट पहन रही है, दो दो तीन तीन कलर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि कैसा उसके साथ मेकअप कैसा होगा? तो बस थोड़ा सा उनको मेकअप करते हैं, वैसे ही बहुत प्यारी लग रही होती हैं, और कुछ लड़कियों के ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, आपको मेरी प्यारी प्यारी बहनों को आपा करके दिखाएंगी मेहंदी का। अक्सर हम मेहंदी पे हमें आजकल हमें समझ नहीं, पहले तो ये होता था कि हम येलो ड्रेस पहनते थे, कभी कोई किस तरह का, मतलब ज़्यादातर मेहंदी कलर के ही ड्रेस चलते थे, लेकिन आजकल कुछ समझ नहीं आती। आजकल नीला भी चलता है, पीला भी चलता है, रेड भी चलता है, हर तरह के जो ड्रेसिंग होती है वो चल रही होती है। हम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं कि क्या करें, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नेट पर जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं, और फिर हमें आइडिया होता है कि हम कौन सा मेकअप करें और कौन सी ड्रेसिंग करें। तो आज आपा हमें जो मेहंदी का है तो वो काम बताएंगी, और आप साथ साथ हम गपशप भी लगाएंगे, और साथ साथ हम आपको आपा का काम भी दिखाएंगे। आपने तो लड़की चेंज कर दी, बिल्कुल मॉडल लग ही नहीं रही। पार्टी मेकअप तो बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू, आपको अच्छा लगा है? जी बोल, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है। दिखाएं जरा इधर से हेयर स्टाइल आपने क्या बनाया है। हाँ सही, और उधर से भी दिखाइएगा ज़रा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा हेयर स्टाइल आपा ने बनाया है, और ये तो बहुत ही अच्छे ड्रेस के मुताबिक। वाओ आपा, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत, माशाल्लाह। और कितनी प्रीटी लग रही है ये, हमारी मॉडल भी तो चेक करें। आप ठीक हो ना? पता लगा है मेकअप कैसे होते हैं? बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही हूँ आपा, आपने तो बहुत अच्छा मेकअप कर लिया है। अब मुझे भी किसी दिन बनाएं ऐसा, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि मैं भी तो खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, मेरा भी दिल चाहता है जी। तो हम अपनी मॉडल को खड़ा करके भी आपको दिखाते हैं, पता लगे कि लता भी या नाल के नहीं मॉडल दिया क्यों बताएं आप हैं आप आए, आप ही आगे आए ना भाई, तैयार इन्होंने किया है, मैं तो एवं ही अपने नंबर आ रही है नाल ला तो देखें आप मॉडल को, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि मॉडल अच्छी लग रही है या नहीं। मॉडल आप क्या कहेंगी बताएं, कुछ बोलती भी है या नहीं? बोलती हूँ, मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ ज़बरदस्त, देखा, इसके लिए क्लैप करें सारे जी। एक मॉडल तो हमारी तैयार हो गई है और दूसरी अभी होने जा रही है, तो प्लीज़ अगर ये दोनों में से जो भी अच्छी लगे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है? और इतनी अच्छी मॉडल लग रही है, क्लैप तो कर दें, थैंक यू।
अच्छा आपा जी, अब तो हमने एक मॉडल तो हमारी रेडी हो गई है, ठीक है, अब ये हमारी मेहंदी की जो ब्राइडल नहीं मेहंदी मेकअप, ये अभी पार्टी मेकअप समझ लें आप जी। तो आपने ये देखा है, आपा ने आधा हेयर स्टाइल बिल्कुल कंप्लीट कर चुकी हुई है, और ये आपा ये भी आपने कर लिया, जबरदस्त हो गया। ये क्रीम पर ये हमने कर्ल भी कर दिए हैं, हाँ ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो अब हम मेकअप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हमारे शो का बड़ा कम है, तो इस वजह से ब्राइडल नहीं पार्टी मेकअप ही आप कह सकते हैं, मेहंदी मेकअप, ठीक है। तो इनको हम तैयार करके आपको दिखाते हैं जल्दी से, चलें जी। आए जी मॉडल जी,
वाह जी वाह, आपने रेडी कर ली है ब्राइडल। ब्राइडल ये तो लग रही है बिल्कुल मेहंदी की ब्राइडल है जी, ये देखें। ये पार्टी मेकअप भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ब्राइडल है, मेहंदी की ब्राइडल, बहुत अच्छी लग रही है। अब आपने बताना है ब्राइडल कैसे लग रही है। आप बहुत अच्छा तैयार किया आपने, और रोल भी बहुत पूरे परफेक्ट है। अमूमन रिकॉर्डिंग्स में ये होता है कि इतना अच्छा तैयार नहीं कर पाते सम टाइम ना, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन आपने बड़ी स्पीड से इसको तैयार कर लिया है माशाल्लाह, बहुत। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम अपने व्यूवर्स को इनको खड़ा करके दिखाते हैं। ज़रा हमारी मॉडल खड़ी हो जाए तो आप देखें जी। सेटिंग आप दुपट्टे की कर ली आपने? सही। देखें जी, अब आपने बताना है, थोड़ा सा मोमेंट करके दिखाएं मॉडल्स की तरह। ये चीज़ देखा, बहुत प्यारी लग रही है भैया, बहुत अच्छी लग रही है। और अब आपने बताना है कि दोनों मॉडल्स में पार्टी मेकअप अच्छा हुआ है या मेहंदी का मेकअप अच्छा हुआ है। अब मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से आप आगे आ जाएं, आपने मेहनत की, मैं तो बोल ही रही हूँ तो आपने अच्छी मेहनत की है, और आपने देखा है मेहंदी का आपके सामने ही लाइव इन्होंने ये काम किया है। ये नहीं है कि पहले रेडी करके बिठा दिया ये इस तरह, तो आपके सामने मॉडल ऐसे ही विदाउट मेकअप के थी, और अब मेकअप में आपके सामने खड़ी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। अब आपने बताना है कि ये कैसी है, और इसके साथ ही अब अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें। नेक्स्ट फिर टी विद गज़ल में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के साथ फिर हाजिर होंगी, और अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स करना लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू। प्यारे प्यारे हैं शोबिज़ के सभी सितारे हैं।